के आगमकुआ थाना क्षेत्र के आगमकुआ आरओबी के पास बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जिस वक्त अनियंत्रित पिकअप ने बाइक और स्कूटी सवार छात्रों को जबरदस्त टक्कर मारा, जहां 3 छात्र बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं इस घटना को देख स्थानीय लोगों ने पिकअप को खदेड़ा, वहीं ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पिकअप में जमकर तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ की घटना सुन मौके पर पहुंची पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वही पीड़ित छात्र को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। सर यहाँ से देखिए, हम आ रहे थे उधर से, इतने 10 मिनट इंडिकेटर लाइट दिए हुए थे, इंडिकेटर लाइट दिए तो उधर से फटका पूरा आ रहा था, फटका मारते हुए दो घायल हो चुका, दो बाइक बर्बाद हो चुका। कौन मारा, किसने मारा? गाड़ी वाला मारा, गाड़ी वाला चल गया, सब रेल चल गया। कौन गाड़ी? कितना लोग को धक्का मारा? तीन लोग, पूरा गोर चूरा, दो गाड़ी बर्बाद, पूरा पैर, दो गाड़ी बर्बाद, पूरा पैर यहाँ से फट गया, पूरा फट गया। हुआ है शीतलम ओवर ब्रिज के नीचा पिकअप से एक्सीडेंट हुआ है, उसमें थाना पर पिकअप जा रहा है, जो उचित कानूनी कार्रवाई होगा। कितने लोग घायल हुए हैं? लोग बता रहा है कि दो आदमी के बता रहा है। अच्छा, घायल को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया? शायद NMCH भेजा गया है इलाज के लिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई ले जा रहे हैं यहाँ बुला के, और गाड़ी भी जा रहा है, उसके बाद में जो उचित कानून कार्रवाई होगा। अरे हम अभी क्लास करके देते सब बोल किया। अरे रुक, यहाँ पहले खड़ा हो। हाँ माँ, गंगा वाला जो रोड खाल रहा है, तो डबल लाइट हो गया रोड जाल। पिकअप ना है, इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।